अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। अच्छा, ये हमारे करीब एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है घर का, तो इसमें आज बारिश हुई है जिसकी वजह से बेसमेंट में पानी काफ़ी खड़ा हो गया। तो ये वीडियो इसीलिए बनानी है कि आपको बताया जाए कि कभी भी अपना जो घर है, जो भी है, इंसान बहुत सारी मेहनत के बाद, पैसा इकट्ठा करने के बाद घर तैयार करता है, तो कभी भी अपना जो मकान है या कुछ भी काम करना हो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो कभी भी बारिश के दिनों में या बरसात के मौसम में ना शुरू करें। तो अभी आपके सामने वीडियो में देख रहे होंगे आप, ये सामने बेसमेंट है, तो इसकी इन्होंने एक्सकवेशन की है। उन दिनों में भी बारिश थी हल्की फुल्की रावलपिंडी में, तो ये भी इन्होंने राफ्ट डाली है, सरिया वगैरह बांधा है, तो बारिश हुई है जिसकी वजह से आज काफ़ी बारिश होने की वजह से इसमें तकरीबन सुबह 2-2 फुट तक पानी खड़ा था। तो इसकी वजह से पानी अब नीचे जज़ब होगा, उसके बाद ये काम आगे स्टार्ट करेंगे। तो क्या पता दोबारा बारिश हो जाए, आज दोबारा मौसम बना हुआ है बारिश का भी। तो इस वीडियो में बस आपको यही बताना था। अभी ये देखें, अंडरग्राउंड टैंक है, यहाँ पे भी पानी थोड़ा बहुत खड़ा है और दीवार अभी कंप्लीट नहीं है। अब ये जब तक पानी निकालेंगे नहीं तब तक ये आगे स्टार्ट नहीं कर सके, तो ये इनके दिन वेस्ट हो गए। तो आपको पता है कि इस फील्ड में, कंस्ट्रक्शन में, एक एक दिन कीमती होता है, तो थोड़ा सा सब्र कर लिया जाए तो आपका काम अच्छा और अच्छे मेयारी हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये देखेंगे आप, सरिया वगैरह सारा बीच में जज़ब हो गया है जिसकी वजह से जंग वगैरह भी लग रहा है, तो वीक भी हो जाता है। तो इन्होंने अभी जब ये मज़ीद आगे काम स्टार्ट करेंगे तो इसकी भी मैं वीडियो बनाऊँगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो को ख़ास तौर पर लाइक करें, तो आपको इससे रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी और आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।